नानी वावड़ी गांव से निकले प्रमुख स्वामी महाराज ने गाड़ी चालक को सूचना दी, गाड़ी ढासा गांव की ओर ले लो। ये सुनकर सभी सहप्रवासी चकित हो उठे। इस गांव का नाम आज के निश्चित कार्यक्रम में था ही नहीं। किसी को पता ही नहीं चला कि हम वहां क्यों जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में ढसा आ गया। तभी स्वामी जी स्वयं बाएं लो दाएं लो कहते कहते गाड़ी को ले आए एक छोटी सी दुकान के दरवाजे पर। उनको देखते ही साधारण दुकानदार दयाल जी भाई तो हर्ष से कूद पड़े। यहां आते ही सभी को पता चला कि इस हरि भक्त के द्वारा एक बार दिए गए निमंत्रण को, हाँ सिर्फ एक बार दिए गए निमंत्रण को नजर में रखते हुए स्वामी श्री आज यहां पधारे हैं। अनेक विराट प्रकल्पों के प्रणेता होते हुए भी स्वामी जी छोटे लोगों को और उनकी सेवाओं को भी भूलते नहीं थे। यही कारण है आज लोग उन्हें भूल नहीं पाते। संत परम हितकारी, जगत माही संत परम उपकारी। प्रमुख स्वामी सुख